फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बी एड एग्जाम के सिविक्स के प्रीवियस पेपर के बारे में बात करेंगे जिसमें हम बात करेंगे कि प्रीवियस ईयर में तो 2013, 14, 10 फोर्टीन इन टेन इनमें कौन कौन से सिविक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे तो आज हम अपनी वीडियो में उन्हीं को डिस्कस करेंगे तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए चलिए फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत में न्यायपालिका निम्न की देख में कार्य करती है ये 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है प्रधानमंत्री की देखरेख में राष्ट्रपति की देखरेख में संसद की देखरेख में या फिर स्वतंत्र काम करती है तो फ्रेंड्स अगर हम भारत में न्यायपालिका की बात करें तो ये स्वतंत्र रूप से कार्य करती है तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट right आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं निम्नलिखित में से कौन सी समवर्ती सूची का विषय नहीं है समाचार पत्र परिवार नियोजन कारखाना या फिर लोक स्वास्थ्य तो फ्रेंड समवर्ती सूची जिसको कॉन्करंट लिस्ट भी बोलते हैं तो उसके अंदर आता है लोक स्वास्थ्य तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है ये सम्वर्ती सूची का विषय नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं किस कारण किसी कारणवश कार्यालय के दौरान राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है ऑप्शन है दो वर्ष तक एक वर्ष तक तीन महीने तक या फिर छह महीने तक तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है कार्यकाल के दौरान तो उस समय रा, उपराष्ट्रपति कितने समय तक काम करेगा तो फ्रेंड्स उपराष्ट्रपति छह महीने तक काम कर सकता है तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट right आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं इसका निर्णय कौन करता है ये अगेन 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है लोकसभा का अध्यक्ष प्रधानमंत्री राष्ट्रपति संसदीय समिति तो so फ्रेंड्स कोई भी हमा, हमारा विधेयक धन विधेयक है इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष के हाथ में होता है तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट right आंसर है वो बताएगा कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं नेक्स्ट है क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हुए देता है भारत के मुख्य न्यायाधीश लोकसभा अध्यक्ष उपराष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री तो फ्रेंड्स अगर राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देना है तो वो उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपने त्याग पत्र को सौंपेगा तो वह है यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति अगेन टू में पूछा गया क्वेश्चन है ये नेक्स्ट है भारत में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है विधानमंडल के सदनों के प्रति राज्यपाल के प्रति संसद के प्रति या फिर विधानसभा के प्रति तो फ्रेंड्स राज्य में मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है ऑप्शन है फोर्टी टू फोर्टी थ्री 44 या फिर तो फ्रेंड मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है संशोधन टू ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है नेक्स्ट है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस संविधान देश के संविधान पर आधारित है फ्रांस जापान, आयरलैंड या फिर ब्रिटेन तो फ्रेंड्स अगर हम भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना की बात करें तो ये लिया गया है आयरलैंड से तो ऑप्शन सी यहां पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की अस्पष्टता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद सत्रह अनुच्छेद सोलह अनुच्छेद पंद्रह या फिर अनुच्छेद चौदह तो फ्रेंड्स अगर हम आ, उन्मूलन की बात करें तो अनुच्छेद में बताया गया है इसके बारे में तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है नेक्स्ट है ईस्ट की नीतियों से कौन सा प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ एच डी देव गौड़ा अटल बिहारी वाजपेयी इंद्र कुमार गुर्जराल या फिर मनमोहन सिंह तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें ईस्ट की नीतियों से कौन सा प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था तो वो थे इंद्र कुमार गुजराल तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ये हमारा क्वेश्चन में पूछा गया है नेक्स्ट है संसद का अर्थ है राज्यसभा लोकसभा राज्यसभा लोकसभा प्रधानमंत्री भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा या फिर भारत का राष्ट्र राष्ट्रपति भारत का उपराष्ट्रपति या फिर लोकसभा और राज्यसभा तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे संसद की बात करें तो फ्रेंड्स संसद के अंदर तीन अ, लोगों को सम्मिलित किया गया है या फिर हम कहें कि इसके उनको तीन भागों में विभाजित किया गया है जिसमें आते हैं हमारे राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा ये इसके तीन पार्ट होते हैं संसद के नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने पारित किया था बलवंत राय मेहता कमेटी ने अशोक मेहता कमेटी ने रॉयल कमीशन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं तो फ्रेंड फ्रेंड्स हम यहाँ पे अगर त्रिस्तरीय राज्य राज्य प्रणाली की बात करें कि इसके अंदर ये किसने दी थी ये तो फ्रेंड्स ये दी गई थी बलवंत राय मेहता कमेटी के अंतर्गत उन्होंने कहा था कि अगर पंचायत राज प्रणाली हो तो इसको त्रिस्तरीय इस रखा जाए तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर है नेक्स्ट है संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है 352, 356, 360 या फिर 350 तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर बात कर रहे हैं राष्ट्रपति शासन असफल हो जाने पर किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है तो वो धारा कौन सी है तो वो है तीन धारा तो यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है नेक्स्ट है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू सरदार पटेल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तो फ्रेंड्स अगर हम संविधान सभा के अध्यक्ष की बात करें तो उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है नेक्स्ट है भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में से कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है प्रश्नकाल शून्यकाल संकल्प या फिर राष्ट्रपति का भाषण तो फ्रेंड्स इसके लिए जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी शून्यकाल नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु इक्कीस से घटाकर अठारह वर्ष की गई इकसठवा संविधान संशोधन 1989, एटी नाइन संविधान संशोधन 1986, एटी सिक्स संविधान संशोधन 1992 या फिर 44 संविधान संशोधन 2002 तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि 21 से घटाकर जहां 18 वर्ष कर दी गई थी उम्र तो वो किया गया था हमारा एक संविधान संशोधन 1989 के तहत तो ऑप्शन यहां पे बी सॉरी ए राइट आंसर है नेक्स्ट है संसद के संयुक्त पद सत्र का संचालन कौन करता है तो फ्रेंड्स संसद के संयुक्त सत्र की बात करें जॉइंट सेशन की बात करें तो ऑप्शन है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभा अध्यक्ष अफिल सभा अध्यक्ष तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी ये करता है लोकसभा अध्यक्ष तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत की गई सदस्यों की कितनी संख्या होती है दो छः, आठ बारह तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि राज्यसभा के लिए कुछ सदस्यों को मनोनीत कर सके और उनकी जो संख्या होती है वो होती है बारह तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है नेक्स्ट है भारतीय राजनीतिक एकता का प्रतीक है ऑप्शंस हैं जनता सार्वजनिक मताधिकार राजनीतिक पार्टियां या फिर मंत्रीगण तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें यहाँ पर भारतीय राजनीतिक एकता के प्रतीक की तो वो है राजनीतिक पार्टियां तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद या फिर उपराष्ट्रपति तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें मुख्य न्यायाधीश की तो इसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा तो ऑप्शन बी राइट आंसर है फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट रचनाओं के बारे में बात करेंगे कि ये किसने लिखी हैं या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि हमारे आधुनिक काल के साहित्यिक कृतियों से रिलेटेड होंगे तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है धूप स्वामिनी के रचयिता कौन है ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद सुमित्रा नंदन पंत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि धूप स्वामिनी की रचयिता कौन है यानी किसने लिखी है धूप स्वामिनी तो फ्रेंड्स इसका जो राइट right आंसर की बात करें तो इसका राइट right आंसर होगा ए जयशंकर प्रसाद फ्रेंड्स जयशंकर प्रसाद की बहुत ही हम कह सकते हैं बहुत ही हर बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है तो आप इसको याद रखिएगा और इनके कुछ और कृतियां हैं जैसे कि इनकी अगर हम बात करें जयशंकर प्रसाद में तो कंकाल तितली चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त ये इनके द्वारा लिखी हुई कृतियां हैं तो एग्जाम में पूछी जाती हैं तो आप इनको याद रखिएगा और मैंने एक वीडियो पर्टिकुलर इस पर बनाई हुई है कि कौन कौन सी इम्पोर्टेंट है तो अगर आप उसको रिवाइज करेंगे तो आपके लिए इजी होगा तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं जिसमें हमने सारी इम्पोर्टेंट कृतियों को अम्म पे डिस्कस किया है चलिए फ्रेंड्स कलम का सिपाही के लेखक कौन है हमें बताना है कलम के लिपाही कलम का जो सिपाही कृति है उसके लेखक कौन है प्रेमचंद अमृत राय अमृतलाल नागर और कमलेश्वर तो फ्रेंड्स कलम का सिपाही जो कृति है उसके लेखक हैं अमृत राय ये अमृत राय ने लिखी है तो इसके जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार अब हमें बताना है कि बाबा बटेश्वर नाथ किसने लिखी है नागार्जुन ने राजेंद्र यादव ने नामवर सिंह ने या फिर महादेवी वर्मा ने तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें बाबा बटेश्वर नाथ की तो ये रचना है नागार्जुन की नागार्जुन ने इसे लिखा है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स आप हमारी इस वीडियो को जरूर चेक कर लीजिएगा क्योंकि हमने वहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट कृतियाँ हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं उन सबको डिस्कस किया है तो अगर आप सिर्फ उस वीडियो को जो भी वहाँ पे बताई गई हैं उसको याद कर लेते हैं तो आपका दो से तीन क्वेश्चंस कहीं से नहीं जाने वाले आपके दो से तीन क्वेश्चन उसमें फंस जाएंगे नेक्स्ट है अमीर खुसरो की रचनाएं किस बोली में रचित हैं अवधि ब्रजभाषा खड़ी बोली या फिर कन्नौजी तो फ्रेंड्स बात करें कि अमीर खुसरो की जो रचनाएं हैं वो किस बोली में है या फिर वो किस में लिखी गई हैं तो फ्रेंड्स अमीर खुसरो खुसरो ने जो अपनी भाषा ली है जो जिस भाषा में लिखते हैं वो है हमारी खड़ी बोली तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जीने के लिए उपन्यास के लेखक कौन है रागे राघव राहुल सांक्रत्यान यशपाल या फिर नागार्जुन तो फ्रेंड्स जीने के लिए उपन्यास के लेखक जो है वो है राहुल सांक्रत्यान राहुल सांक्रत्यान की ये लिखी हुई है जीने के लिए तो ये इनकी बहुत ही फेमस है और फ्रेंड्स राहुल सांक्रत की एक और कृति है जो बहुत फेमस है और एग्जाम में पूछी जाती है वो है मेरी जीवन यात्रा तो आप नोट कर लीजिए इनकी एक और फेमस है मेरी जीवन यात्रा ये एग्जाम में बहुत पूछी जाती है कि मेरी जीवन यात्रा किसके द्वारा लिखी हुई है तो ये भी राहुल सांक्रत्यान के द्वारा लिखी हुई रचना है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं व्याकरण दर्पण किसकी रचना है तो अब हमें बताना है कि व्याकरण दर्पण जो है वो किसकी रचना है ऑप्शन है शिव पूजन सहाय किशोरीदास वाजपेयी रामचंद्र शुक्ल या फिर श्याम सुंदर दास तो फ्रेंड्स व्याकरण दर्पण जो है ये हमारी रचना लिखी हुई है शिव पूजन सहाय के द्वारा तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं केशव कहीं न जाए का कहिए केशव कहीं ना जाए का कहिए पंक्ति के रचनाकार कौन है ए आचार्य केशव दास बी सूरदास सी तुलसीदास या फिर रहीम। तो फ्रेंड्स केशव कहीं ना जाए का कहिए ये पंक्ति जिसने लिखी है वो है हमारे तुलसीदास जी तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है तो हमें बताना है सूरदास जो है प्रेमचंद के किस उपन्यास में सूरदास वहां पे उन्होंने पात्र का नाम रखा है वरदान प्रतिज्ञा गोदान या रंगभूमि तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी रंगभूमि रंगभूमि में जो पात्र है उसमें प्रेमचंद जी ने अपने पात्र का नाम सूरदास रखा है तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे आते हैं कलम का सिपाही किसे कहा जाता है तो फ्रेंड्स पहले जो क्वेश्चन था वो था कलम का सिपाही किसने लिखा है और यहाँ ये यह है कि कलम का सिपाही किसे कहा जाता है ऑप्शन है प्रेमचंद निराला प्रसाद या फिर दिनकर तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें कलम के सिपाही की तो प्रेमचंद जी को कलम का सिपाही कहा जाता है तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट right आंसर है फ्रेंड्स हम प्रेम प्रेमचंद का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रेमचंद की हर बार एक रचना जरूर पूछी जाती है तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट अभी बता देती हूँ लेकिन फिर भी आपको वो वीडियो वहां पे जाके जरूर चेक करनी है प्रेमचंद की कुछ फेमस कृतियां हैं हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे कि प्रेमाश्रम गवन गोदान इसके साथ ही साथ करबला ये एक नाटक है संग्राम ये भी एक नाटक है ये प्रेमचंद के बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में तो आप बस एक ये कुछ गिने चुने चार पांच हैं इनको पढ़ लीजिए तो आपको कहीं इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी आपके इसी में से अपने सारे फस जाएंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन पे आते हैं। है हमारा आकाशदीप किसकी रचना है तो आप बताना है कि आकाशदीप जो है वो किसकी रचना है प्रेमचंद जयशंकर प्रसाद निराला या फिर यशपाल तो फ्रेंड्स आकाशदीप हमारी जयशंकर प्रसाद की ही अगेन रचना है जयशंकर प्रसाद की मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर दी है कौन कौन सी हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं तो आप उसका रिवीजन कर लीजिएगा नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन अंधा युग किस प्रकार की रचना है ये एक उपन्यास है काव्य है काव्य नाटक है या फिर नाटक है तो फ्रेंड्स बात करें अंधा युग की तो फ्रेंड्स अंधा युग एक तरह का काव्य नाटक है तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कोणाक नाटक के लेखक कौन है जयशंकर प्रसाद जगदीश चंद माथुर लक्ष्मी नारायण मिश्र या फिर मोहन राकेश तो फ्रेंड्स बात करें कोणाक की तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी जगदीश चंद माथुर फ्रेंड्स ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि फैक्चुअल हैं इनके अंदर ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है और आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सिर्फ उतना ही डिस्कशन करेंगे जितना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा ठीक है और साथ ही साथ में आपको उनके अगर कोई फेमस और कृति होगी तो मैं वो वो भी आपके साथ डिस्कस कर दूंगी नेक्स्ट है अनामिका किसका काव्य संग्रह है निराला पंत महादेवी वर्मा या फिर प्रसाद का तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात करें अनामिका की कि अनामिका किसका फेमस काव्य ग्रंथ है तो फ्रेंड्स काव्य संग्रह है तो ये है हमारा निराला जी का तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा क्या होगा यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स निराला का अनामिका बहुत पूछा जाता है क्योंकि ये इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही हम कह सकते हैं कि चर्चित काव्य संग्रह है तो एग्जाम में ये जरूर पूछा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतेंदु ने किस पत्रिका का संपादन किया हमें पत्रिका का नाम बताना है जिसका संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था तो फ्रेंड्स ऑप्शंस हैं हिंदी प्रदीप इंदु कविवचन सुधा या फिर भारत बंधु तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें यहां पर भारतेंदु के की पत्रिका की तो वो है कवि वचन सुधा तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स अगर हम मैं भारत बंधु की बात करूँ तो इसकी दो कृतियां हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूछी जाती है एग्जाम में आप नोट कर लीजिए एक है हमारी अंधेर नगरी ठीक है एक है हमारी अंधेर नगरी जो कि एग्जाम में बहुत पूछी जाती है किसने लिखी है दूसरी आती है हमारी भारत दुर्दशा ठीक है भारत दुर्दशा ये भी एग्जाम में बहुत पूछी जाती है तो आप ये दो नोट कर लीजिए ये दोनों हैं तो यहाँ पर आपके साथी साथ साथ ही क्या हो हो रहा रहा है है रिवीजन भी आप अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज एक बार उसको जरूर देख लीजिए अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे गलत युग्म हमें बताना है साकेत के सामने है मैथिली शरण गुप्त तो आपको बताना है ये युग्म सही है या नहीं दूसरी है कामायनी जयशंकर प्रसाद रंगभूमि महादेवी वर्मा गोदान प्रेमचंद आपको इसमें बताना है कि कौन सा युग्म इसमें गलत है तो फ्रेंड्स बताइए इसका राइट आंसर कौन सा आपको लगता है जो कि यहाँ पे गलत दे रखा है तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें तो साकेत मैथिली शरण गुप्त ने ही लिखी है कामायनी महा जयशंकर प्रसाद की है गोदान प्रेमचंद्र की है लेकिन अगर हम यहाँ पर रंग भूमि की बात करें तो फ्रेंड्स रंग भूमि महादेवी वर्मा जी की यहाँ पे नहीं है तो फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो कि हमारा गलत है यहाँ पे रंग भूमि हमारी आ, महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखी हुई कृति नहीं है तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं पानी गए ना उबरे ये इसके लेखक कौन है कबीर दास जी रहीम दास तुलसीदास जी या फिर सूरदास जी तो फ्रेंड्स पानी गए ना उबरे मोती मानुष चूर तो आपने ये देखा सुनी होंगी ये पंक्तियाँ ये पंक्तियां हमारी बहुत ही फेमस है हमारी एक कृति है इनके द्वारा लिखी हुई तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी रहीम की ये कभी पंक्तियां हैं लिखी हुई इसके लेखक रहीम है तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर हम वैदेही वनवास की बात कर रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत पूछा जाता है ये वैदेही वनवास पुस्तक के लेखक कौन है बिहारी भारतेंदु हरीश्चंद मैथिली शरण गुप्त या फिर अयोध्या सिंह अरिहोद तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे बात करें वैदेही वनवास की तो वैदेही वनवास ये लिखी है अयोध्या सिंह अरिहोद ने बहुत ही फेमस बुक है इनकी ये तो यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा हाँ भारतेंदु हिंदू हरिश्चंद की हमने आपको बताई दी कि भारतेंदु हरिश्चंद की भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी बहुत इंपॉर्टेंट है वहीं अगर हम बात करें मैथिली शरण गुप्त की तो फ्रेंड्स मैथिली शरण गुप्त की भी अगर हम इम्पोर्टेंट की बात करें तो इनकी दो तीन कृतियां हैं जो मैं आपको अभी आगे डिस्कस करवा दूंगी कि इनकी कौन कौन सी कृतियां हैं जो मैथिली शरण गुप्त की पूछी जाती हैं अयोध्या सिंह और योथ की वैद्यही वनवास बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर बार ये पूछी जाती है कि वैद्यही वनवास किसके की द्वारा लिखी हुई है तो ये लिखी हुई है हमारे अयोध्या सिंह और योथ के द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रामचरित मानस में समायोजित कुल कांड कितने हैं आठ नौ सात या बारह तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें रामचरित मानस में कांड की तो यहाँ पर ऑप्शन होगा वो हमारा सी राइट होगा कुल सात कांड हैं। आप इनको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं फर्स्ट है हमारा बाल कांड सेकेंड है अयोध्या कांड थर्ड है अरण्य कांड फोर्थ है किशकिंडा कांड फिफ्थ है हमारा सुंदर कांड सिक्स है हमारा लंका कांड एंड सेवेंथ है हमारा उत्तराकांड आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट बालकांड सेकंड अयोध्याकांड थर्ड अरणनेकांड फोर्थ कांड, फिफ्थ सुंदरकांड सिक्स्थ लंकाकांड एंड सेवंथ है हमारा उत्तराकांड अब फ्रेंड्स अगर हम छंदों के मुताबिक बात करें छंदों की संख्या के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे सबसे बड़ा कांड बताया जाता है बाल कांड को और सबसे छोटा कांड बताया जाता है किश्किंदा कांड को तो आप इसे भी नोट कर सकते हैं हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए कि रामचरित में सबसे बड़ा कांड कौन सा है तो वो है बालकांड और रामचरित मानस का कांड में सबसे छोटा कांड है हमारा किश्किंदा कांड और ये छोटा बड़ा बताया गया है ये छंदों की गिनती के अकॉर्डिंग ठीक है नेक्स्ट आते हैं हिंदी साहित्य का आधुनिक काल कब से प्रारंभ माना जाता है 1999, 1850, 1951 यानी या फिर 1752 तो फ्रेंड्स बात करें हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की कि कब से प्रारंभ माना जाता है तो फ्रेंड्स ये माना जाता है हमारा 1850 से तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक किसने लिखा है मुंशी प्रेमचंद गोवर्धन राम एंड त्रिपाठी भारतेंदु हरिश्चंद या फिर फकीर मोहन सेनापति तो फ्रेंड्स अंधेर नगरी चौपट राजा की बात करें तो ये लिखा है हमारा भारतीय हरिश्चंद के द्वारा तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसके साथ ही साथ मैं आपको कुछ और कृतियां अभी, अभी नोट करा देती हूँ जो कि हमने वाली क्लास में डिस्कस नहीं की थी फ्रेंड्स uh, अगर हम रीतिकाल uh, की साहित्य की रचनाओं के बारे में बात करें तो रीतिकाल की अकॉर्डिंग आप नोट कर लीजिए बिहार की बिहारी की बिहारी सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है भूषण की बात करें तो उसमें दो कृतियां आ जाती हैं एक आती है हमारी शिवा बावनी दूसरी आती है हमारी शिवराज भूषण केशव दास की बात करें तो दो बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछी जाती है केशव दास की एक है कवि प्रिया दूसरी है रामचंद्रिका वही हम बात करें घनानंद की तो घनानंद की दो रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, है। सृजान सुजान विलास और कोकसार तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा यहाँ पे वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं तो फ्रेंड के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए तो चलिए फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज जो हमने प्रैक्टिस सेट लिया है इसमें प्रीवियस ईयर में पूछे गए उन क्वेश्चन का हर डिस्कशन है तो हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें हमें बता चार विकल्प दिए हुए हैं और हमें तीन विकल्प एक जैसे हैं जबकि एक विकल्प भिन्न होगा तो हमें उसे बताना है फर्स्ट क्वेश्चन है तालाब झील पिस्तौल बंदूक कार बस चर्च स्मारक तो फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे कि ऑप्शंस दिए हुए हैं तालाब किससे भरी होती है तालाब झील दोनों किससे भरी होती हैं? पानी से भरी होती हैं। बंदूक और पिस्तौल हमारी गोली छोड़ने के काम आती हैं, गोली चलाने के काम आती हैं। कार बस हमारी यात्रियों के वाहन के लिए काम आती हैं जबकि चर्च और स्मारक में ऐसी कोई समानता नहीं है हाँ यहाँ पे चर्च मंदिर चर्च यहाँ पर गुरुद्वारा ये दिया होता तो हम बता सकते थे कि ये दोनों ही पूजा स्थल हैं, जबकि चर्च और स्मारक में कोई भी समानता नहीं है तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अः यहाँ दे रखा है मकान अपार्टमेंट भवन संस्था यानी कि ये मकान अपार्टमेंट भवन और संस्था में हमें बताना है कि क्या चीज डिफरेंट है फ्रेंड्स मकान अपार्टमेंट और भवन तीनों क्या है घर हैं जिसमें लोग रहते हैं जबकि संस्था एक, एक बिजनेस का स्थल हो सकता है हमारा ये कोई रहने का स्थल नहीं है संस्था तो यहाँ पे जो अलग ऑप्शन है हमारा वो है संस्था तो ये यह यहाँ भी हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर होगा नेक्स्ट हमें दे रखा है थर्ड क्वेश्चन है क्यू आर टी यू डीई डब्ल्यू एक्स एस टी जे के और के आई जे एल तो हमें इनको सोल्व करना है तो फ्रेंड्स सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने से पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि इन वर्ड्स के बीच में आपस में कितना कितने का डिफरेंस है देखिए फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे बात करें Q और R में कितने का डिफरेंस है एक क्योंकि Q की बात क्या आता है R T के बाद क्या आता है U तो दोनों में एक एक का डिफरेंस हो गया नेक्स्ट है डी ई नेक्स्ट डी ई आता है डब्ल्यू के बाद क्या आता है एक्स तो यहाँ पे क्यू आर एस बीच में छोड़ा गया और टी यू आ गया सेम उसी तरह से डी ई डी के बाद ई e आता है और डब्ल्यू के बाद एक्स आता है सेम इसी तरह से एस के बाद क्या आएगा टी जे के बाद क्या आएगा के जबकि फ्रेंड्स के के बाद यहां पर क्या आएगा के uh, के बाद ए आई नहीं आता और जे के बाद एल नहीं आता यहाँ पे माइनस टू और प्लस टू का डिफरेंस आ रहा है तो जो हमारा डिफरेंट वर्ड है ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन डी जो कि right है हमारा राइट आंसर नेक्स्ट है जेड वाई डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन या फिर एम एल के जे अब हमें इसमें बताना है कि इसमें क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और किस तरह से ये एक दूसरे से अलग हैं फ्रेंड्स यहाँ पे हमें देखना होगा वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड यहाँ पे तीनों सेम है यहाँ पे वी डब्ल्यू साथ में है X यहाँ पे एक मिसिंग है फिर आगे हमारा डब्ल्यू एक्स सेम उसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखें कि हमारा है आर एस टी यू ये क्या है अगर हम रिवर्स में लेके चलें इस पोजीशन में तो ये चारों साथ में आएंगे सेम उसी तरह से एम एन ओ पी क्यू तो ये भी हमारा रिवर्स में सभी साथ में है जे के एल एम ये भी हमारा रिवर्स में सभी साथ में है जबकि ये रिवर्स में देखा जाए तो यहाँ पे एक्स मिसिंग है तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए तो आई होप यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं थर्टीन ट्वेंटी वन फिफ्टीन और थर्टी थ्री इसमें बताना है फ्रेंड्स आपको कि अलग वर्ड क्या है बताइए फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि ना तो ये किसी के हम अगर बात करें स्क्वायर uh, की तो ना ही ये स्क्वायर है ना ही ये क्यूब है तो हमें कुछ और देखना होगा तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो ट्वेंटी वन फिफ्टीन थर्टी थ्री ये क्या है हमारी भाज्य संख्याएं हैं जबकि थर्टीन हमारी अभाज्य संख्या है तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारा राइट right आंसर होगा नेक्स्ट है फिफ्टीन सिक्सटी थ्री एटी टू ट्वेंटी फोर अब मैं यहाँ पर बताना है कि ये हमारे इनमें क्या क्या सिमिलैरिटीज है तो फ्रेंड्स इस तरह के जो मीनिंग आते हैं सबसे पहले आप ये देखा कीजिए कि ये किसी का क्यूब स्क्वायर तो नहीं बन रहा या फिर ये प्राइम नंबर तो नहीं है या फिर ये ऑड नंबर तो नहीं है इस तरह से आप चेक कीजिए तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे चेक करें तो देखिए ये सारे ही नंबर हमारे स्क्वायर के बिल्कुल नियर है जैसे कि हम यहाँ पर देखें फोर का क्यूब कितना स्क्वायर कितना होता है सिक्सटीन सिक्सटीन में पॉइंट माइनस किया तो कितना आ गया फिफ्टीन ठीक है सेम इसी तरह से हमारा यहाँ पर अगर हम एट का स्क्वायर करेंगे सिक्सटी फोर उसमें वन माइनस किया तो हमारा आ गया सिक्सटी थ्री और हम अगर करेंगे नाइन का स्क्वायर करें नाइन का स्क्वायर कितना होता है हमारा एट्टी वन उसमें अगर प्लस करेंगे तब आएगा हमारा यहाँ पे एट्टी टू जबकि इन दोनों संख्याओं में हमने माइनस किया है सेम उसी तरह से अगर हम ट्वेंटी फोर देखें तो ट्वेंटी फोर अगर हम फाइव का स्क्वायर करेंगे माइनस वन करेंगे तो आ जाएगा हमारा ट्वेंटी फोर तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पर फिर हम निकल कर आया कि ये सारे हमारे स्क्वायर्स हैं और माइनस करने के बाद ये पोजीशन आई है जबकि 82 ऐसा है स्क्वायर तो है लेकिन यहाँ पे हमें वन प्लस करना पड़ रहा है बाकी सब में वन हमें माइनस करना हो रहा है तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा इसलिए राइट आंसर है आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। हम नेक्स्ट बात करते हैं इसमें से हमें विषम बताना है कि कौन कौन सा विषम वर्ड है ऑप्शन एच टी जी एफ तो इसमें हमें बताना है विषम तो फ्रेंड्स यहां पर अगर हम देखें तो पी के क्यू आई को छोड़कर बाकी सब एक दूसरे के क्या हैं एक दूसरे के विपरीत अक्षर हैं दो युग्म बनाकर अगर हम देखें तो जैसे कि एम एन एल फिर यहाँ पे एस एच आर आई जी टी और यू एफ यू एफ देखें फ्रेंड्स यू एंड एफ का यहाँ पे बना कॉम्बिनेशन और यहाँ पर का जी के साथ कॉम्बिनेशन बन रहा है लेकिन पी क्यू आई का किसी भी तरह से कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा राइट right आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा डिफरेंट uh, बी यहाँ पे हमारा अलग आंसर है जबकि एन के बाद हमारा ओ आ रहा है एम एन ओ एल के बाद हमारा एक वर्ड छोड़कर आ रहा है एल uh, सीम इसी तरह से आर के बाद एस आई का एच से टी का यू से जी का एफ से यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन रहा है नेक्स्ट है फाइव माइनस एट सेवेंटीन थर्टी टू नाइनटीन थर्टी एट ट्वेंटी वन फोर्टी इनमें से हमें बताना है कि डिफरेंट बर्ड क्या है फ्रेंड्स अगर यहाँ पर हम बात करें इन दोनों की कि फाइव इंटू टू करने पर क्या इन क्या आता है ये फाइव से एट कैसे बनेगा सेवनटीन से थर्टी टू कैसे बनेगा नाइनटीन से थर्टी एट एंड ट्वेंटी वन से फोर्टी तो हम इससे निकाल सकते हैं फाइव से एट फ्रेंड्स इसको ऐसे करके देखते हैं फाइव इंटू टू फिर हमने इसमें क्या, क्या? 5 into 2 हमने किया फाइव इंटू टू कितना टेन हमने माइनस किया टू कितना निकल कर आ गया 8. सेम उसी तरह से करते हैं सेवनटीन इंटू टू माइनस टू कितना निकल कर आ गया थर्टी टू ये कॉम्बिनेशन हमारा सही है नेक्स्ट हम देखते हैं नाइनटीन इंटू टू माइनस टू ये हमारा कितना निकल कर आया है ये निकल कर आया थर्टी सिक्स जबकि यहाँ पे थर्टी एट दे रखा है नेक्स्ट देखते हैं ट्वेंटी वन इंटू टू माइनस टू तो ये हमारा कितना निकल कर आया है? ये हमारा फोर्टीन निकल कर आया है तो हमारा जो अलग कॉम्बिनेशन निकल कर आया है वो है हमारा नाइनटीन इंटू टू माइनस टू ये थर्टी सिक्स होना चाहिए जबकि दिया है थर्टी एट तो ऑप्शन जो डिफरेंट है वो है ऑप्शन सी ये हमारा राइट आंसर है आई होप यहाँ तक फ्रेंड सभी चीज आपको क्लियर होगी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तबला वीणा सितार एक तारा हमें देखना है कि इनमें कॉम्बिनेशन में क्या क्या चीज अलग है फ्रेंड्स अगर हम बात करें वीणा सितार एक तारा और तबला की तो तबला को छोड़कर सभी तारयुक्त वाद्य यंत्र हैं वीणा में भी तार आता है सितार में भी तार का यूज किया गया और एक तारा में भी तार का यूज किया जाता है जबकि तबले में तार का कोई भी यूज नहीं है तो यहाँ पे जो हमारा अलग वर्ड है या ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए तबला नेक्स्ट आते हैं इसमें हमें विषम शब्द अक्षर संख्या युग में ज्ञात करना है सेम वही है हमें इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं ऑप्शन हैं गैलन टन क्विंटल किलोग्राम फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो ये सभी द्रव्यमान के मात्रा हैं जबकि गैलन आयतन का मात्रक होता है इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन डिफरेंट है वो है ऑप्शन ए गैलन नेक्स्ट है वन ट्वेंटी टू फाइव सिक्सटी 91 to 299, 98 to 169, और और तो तो हमें यहाँ पे देखना है तो फ्रेंड्स को अगर हम छोड़ दें तो सभी संख्याओं का योग में क्या है तेरह से गुणा हो रहा है जैसे कि अगर हम थर्टीन इंटू सेवन करें तो 91 वन निकलेगा थर्टीन इंटू ट्वेंटी थ्री करें तो हमारा निकल कर आएगा टू नाइन्टी नाइन थर्टीन इंटू सिक्स करें तो सेवेंटी एट होगा और थर्टीन इंटू थर्टी करें तो वो होगा वन सिक्सटी नाइन वहीं अगर हम थर्टीन इंटू एट करें तो आएगा हमारा वन ज़ीरो फोर और थर्टीन इंटू थर्टी थ्री करें तो आएगा हमारा फोर टू नाइन जबकि हमारा थर्टीन में अगर हम किसी भी तरह का कोई डिवाइड करते हैं तो वन ट्वेंटी और फाइव सिक्सटी हमारा निकल कर नहीं आएगा तो हमारा ऑप्शन जो होगा यहाँ पर राइट वो हो होगा ऑप्शन ए वन ट्वेंटी टू फाइव सिक्सटी नेक्स्ट है अंगूठी टायर प्लेट चूड़ी इसमें से हमें अलग बताना है क्या है तो फ्रेंड्स अगर अंगूठी टायर प्लेट और चूड़ी की बात करें तो ये सारी ही चीजें हमारी प्लेट को छोड़कर सभी वृत्ताकार छल्ले को बता रहे हैं यानी कि रिंग में अगर हम सर्किल की बात करेंगे तो फ्रेंड सभी हमारी सर्किल में अंगूठी टायर प्लेट चूड़ी ये चारों ही सर्किल का पार्ट है लेकिन अगर हम बात करें कि ये रिंग की तरह है जिसमें बीच में हम ये बोलें कि एक छल्ले की तरह आकृति होती है तो प्लेट की छल्ले की तरह आकृति नहीं होती है जबकि अंगूठी टायर और चूड़ी की छल्ले की तरह आकृति होती है तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है Next है नेक्स्ट आंखें कान गला और त्वचा इसमें हमें बताना है तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें सभी आंखें कान हमारा गला और त्वचा की तो फ्रेंड्स गले को छोड़कर ये सभी हमें सेंस ऑर्गन बता रहे हैं जैसे कि आंखें हैं कान है त्वचा है ये हमारे फाइव सेंस ऑर्गन में से आती है तो यहाँ पे जो अगर डिफरेंट है वो है हमारा गला ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं डी एफ आई एम आर सी ई एच एल क्यू जी आई जे पी क्यू और एच जे एम पी टी अब हमें इसमें बताना है कि इसमें जो वर्ड है वो डिफरेंट कौन सा वर्ड है चलिए देखते हैं फ्रेंड्स डी और एफ में कितने का डिफरेंस आ रहा है डी और एफ में अगर हम डिफरेंस देखें तो डी ई एफ तो यहाँ पे क्या है बीच में एक वर्ड मिसिंग है हम बोल सकते हैं एफ हमारा दूसरे नंबर पे आता है और अगर हम यहाँ पे आई की बात करें तो एफ जी एच आई तो यहाँ पे आई हमारा कितना आ रहा है थर्ड नंबर पे आ रहा है इसी तरह अगर हम एम की बात करें एम कितने नंबर पे आ रहा है तो आई जे के एल एम ये आ रहा है हमारा फोर्थ नंबर पे ठीक है टू तो ये क्या हो गया टू थ्री फोर और अगर हम आर की बात करेंगे तो एम के बाद आर कितने नंबर पे आएगा अगर हम फाइव नंबर काउंट करें तो आर हमारा फिफ्थ टर्म होगा तो यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन बना टू थ्री फोर फाइव सेम उसी तरह अगर हम सीई एच एल क्यू की बात करें तो ये भी हमारे टू नंबर पे ई आता है अगर थ्री नंबर पे काउंट करें तो एच आएगा फोर्थ नंबर पे काउंट करें तो एल एंड फिफ्थ नंबर पे काउंट करें तो क्यू सेम उसी तरह से जी के आई टू नंबर काउंट करें तो आएगा आई से जे पर जाए तो थ्री नंबर का डिफरेंस है और अगर हम देखें जे से पी पर तो यह फोर्थ टर्म पर आएगा एंड पी से ओ यू हमारा फिफ्थ टर्म पर आएगा जबकि फ्रेंड्स एच जे एम पी टी में ऐसा नहीं है इसमें हमें जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो बन रहा है टू थ्री थ्री फोर इसका कॉम्बिनेशन तो अगर हम यहाँ पे देखें कि हमारा डिफरेंट वर्ड क्या है तो वो है ऑप्शन डी जे एच जे एम पी टी नेक्स्ट इसमें भी हमें अः डिफरेंट वर्ड बताने हैं ये हमारे 2011 में आया था पृथ्वी बृहस्पति बुध और चंद्रमा पे हमें बताना है कि इन में से क्या चीज अलग है अगर हम बात करें तो पृथ्वी बृहस्पति बुध और चंद्रमा में तो फ्रेंड चंद्रमा को छोड़कर अन्य सभी हमारे सौर्ण मंडल के ग्रह हैं तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट right आंसर है नेक्स्ट है सेब आम आलू नारंगी तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो आलू को छोड़कर सभी फल हैं जबकि आलू हमारा सब्जी है तो ऑप्शन सी बहुत ही सिंपल था ये राइट right आंसर है नेक्स्ट है इलेवन थर्टीन फिफ्टीन एंड सेवेंटीन तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें फिफ्टीन को छोड़कर सभी एक अभाज्य संख्या हैं तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट right आंसर है नेक्स्ट है टू थर्टी टू फोर थर्टी टू सिक्स ट्वेल्व एंड एट थर्टीन फ्रेंड्स इन नंबर में को देखने से पहले आप वही चीज याद रखिए सबसे पहले आप काउंट कीजिए कि ये किसी का स्क्वायर या क्यूब तो नहीं है क्योंकि स्क्वायर क्यूब से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो फ्रेंड्स अगर हम देखें फोर थर्टी टू ये हमारा इसको छोड़कर सभी संख्याएं हमारी कितनी है बारह का गुड़क आ, छोड़कर अन्य सभी संख्या गुणक नहीं है तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ऑप्शन बी है ये हमारी डिफरेंट है तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट right आंसर है नेक्स्ट है शब्द ब्रेक्स को जब रूप से व्यवस्थित किया जाता है तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहती है तो हमें अब ब्रेक्स को बताना है कि अगर इसको हम इनके अनुक्रम को चेंज करेंगे तो हमारे कौन से शब्द की स्थिति सेम रहेगी तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लेते हैं बी आर ए के ई एस हम इनको वर्ण के अनुसार लगाते हैं तो पहले आएगा हमारा ए फिर आएगा हमारा बी फिर आएगा ई e, फिर आएगा के फिर आएगा हमारा आर फिर आएगा हमारा एस तो फ्रेंड्स अगर हम देखें तो यहाँ पे के की यही स्थिति रही और एस की यही स्थिति रही तो कितने की स्थिति सेम रही दो की तो ऑप्शन भी यहाँ पे हमारा देखें तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है हमारी यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा दो दो शब्द की स्थिति सेम नेक्स्ट है प्रश्न में चार संख्याएं दी गई हैं जिनमें से तीन किसी प्रकार समान है और उस एक का चयन कीजिए जो भिन्न है यानी कि दो सोलह छप्पन एक सौ इसमें हमें देखनी है कि क्या चीज भिन्न है तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें तो सोलह को छोड़कर अन्य सभी वर्ग संख्याएं नहीं है जबकि सोलह एक वर्ग संख्या है अगर हम बात करें दो भी किसी का वर्ग नहीं है छप्पन भी नहीं है एक सौ भी नहीं है जबकि सोलह हमारा वर्ग है फोर का। अगर हम फोर का स्क्वायर करेंगे तो हमारा राइट आंसर आएगा सिक्सटीन तो ऑप्शन भी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है नेक्स्ट है भिन्न शब्द का चयन कीजिए बैग बास्केट हैट पॉकेट तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे बात करें बैग बास्केट पॉकेट हैट की, तो फ्रेंड्स ये सभी बैग बास्केट एंड पॉकेट ये सभी कुछ ना कुछ वस्तुएं रखने के काम आती हैं। जबकि हैट हमें सिर पे पहना जाता है इसमें हम कुछ भी चीज नहीं रख सकते हैं तो ऑप्शन जो डिफरेंट है राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी हैट नेक्स्ट है समूह से भिन्न शब्द का चयन कीजिए लखनऊ भोपाल नई दिल्ली या फिर जयपुर तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो यहाँ पर सभी हमारी जो राजधानियाँ हैं नई दिल्ली को छोड़ के अन्य सभी राज्य की राजधानियाँ हैं जबकि नई दिल्ली भारत की राजधानी है ठीक है तो यहाँ पर ये तो हमारी भोपाल लखनऊ जयपुर ये राज्य की राजधानी है जबकि नई दिल्ली हमारे भारत देश की राजधानी है तो इसलिए यहाँ पे जो डिफरेंट है वो है ऑप्शन सी नई दिल्ली नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न में से भिन्न शब्द का चयन कीजिए जापान भारत श्रीलंका या फिर न्यूजीलैंड तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे बात करें तो न्यूजीलैंड को छोड़कर अन्य सभी देश एशिया महादेश में स्थित हैं जबकि न्यूजीलैंड ओसनीय महादेश में स्थित है तो यहाँ पे अगर हम देखें तो डिफरेंट वर्ल्ड जो है हमारा वो है ऑप्शन डी न्यूजीलैंड तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो इसका राइट आंसर था वो हमारे क्या निकल कर आया न्यूजीलैंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अब इसमें यहाँ पे हमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में चार शब्द दिए हुए हैं इन चार शब्दों में से तीन शब्द किसी ना किसी प्रकार से एक समान है तथा इस प्रकार से ये अपना एक समूह बनाते हैं आप उस शब्द को चुनिए जो तीन से भिन्न है ठीक है ऑप्शन से हमारे कान नाक आंख हृदय इसमें हमें बताना है कि डिफरेंट क्या है तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पे देखें तो हृदय को छोड़कर सभी हमारे ज्ञानेन्द्रिया हैं जबकि हृदय शरीर के अंदर का एक अंग है तो यहाँ पे जो डिफरेंट है वो है ऑप्शन डी हृदय बाकी सभी हमारे सेंस ऑर्गन है नेक्स्ट है भौतिक शास, शास्त्र रसायन शास्त्र भूगोल और वनस्पति शास्त्र इनमें हमें बताना है कि क्या डिफरेंट है तो फ्रेंड्स भूगोल को छोड़कर अन्य सभी विज्ञान से संबंधित विषय हैं जबकि भूगोल कला से संबंधित विषय है तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी भूगोल नेक्स्ट है बहुतायत प्रचुर बहुत अधिक या फिर वृस्त्रत अब हमें बताना है कि इसमें से हमारा जो डिफरेंट वर्ल्ड है वो कौन सा है तो फ्रेंड विस्तृत को छोड़कर अन्य सभी का अर्थ संख्या या मात्रा से है जबकि विस्तृत का अर्थ होता है कुछ चीज फैली हुई या फिर कुछ चीज फैल रहा है हम उसको बोलते हैं कि विस्तृत होना तो यहाँ पे जो डिफरेंट है वो है ऑप्शन डी विस्तृत नेक्स्ट है कलम कैलकुलेटर स्याही रबड़ इसमें से क्या चीज डिफरेंट है तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो कलम स्याही एंड रबड़ ये सब हमारे लेखन से संबंधित हैं जबकि कैलकुलेटर हमारा एक स्टेशनरी है जो कि एक मशीनरी का भी काम करती है तो ऑप्शन डी यहाँ पे जो हम ऑप्शन बी जो है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा कैलकुलेटर नेक्स्ट है नम्र विनीत सभ्य राजनैतिक इसमें से डिफरेंट क्या है तो फ्रेंड्स बात करें नम्र विनीत और सभ्य की ये तीनों एक ही यहाँ पे बात बताते हैं जबकि हमारा जो राजनीतिक है ये अलग वर्ल्ड है और इसका भाव भी अलग है तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है नेक्स्ट आता है ट्वेंटी नाइन क्वेश्चन सलाहकार निजी शिक्षक प्रशिक्षक या फिर व्याख्यता तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें यहाँ पे डिफरेंट वर्ल्ड की तो सलाहकार को छोड़कर अन्य सभी शिक्षा देने वाले हैं ठीक है, जैसे कि निजी शिक्षक हो गया प्रशिक्षक हो गया व्याख्याता हो गया, ये हमें क्या देंगे शिक्षा? जबकि सलाहकार हमें किसी तरह की कोई शिक्षा नहीं दे रहा, वो सिर्फ हमें एक एडवाइस दे रहा है किसी भी तरह का अपना एक सजेशन दे रहा है तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सलाहकार नेक्स्ट है मक्खी मधुमक्खी खटमल और तिलचट्टा तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे लिए मधुमक्खी डिफरेंट है क्योंकि ये मनुष्य के लिए इतना हानिकारक कीट नहीं है जबकि सभी हमारे लिए हानिकारक है मधुमक्खी हमारे लिए एक लाभकारी कीट होता है तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है नेक्स्ट है परिकल्पना प्रयोग अनुमान और पूर्वानुमान में क्या अंतर है तो हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा वर्ड यहाँ पे डिफरेंट है तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें यहाँ पर परिकल्पना प्रयोग अनुमान और पूर्वानुमान में तो प्रयोग को छोड़कर अन्य सभी का संबंध हमारी कल्पना से है जबकि प्रयोग का न, न, मतलब होता है कि कुछ चीज हम रियल में कर रहे हैं कुछ प्रैक्टिकल करने की कोशिश कर रहे हैं जबकि अनुमान और पूर्वानुमान में हम कुछ एजम्सन लगा रहे हैं कुछ एज्यूम कर रहे हैं तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी प्रयोग तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट आई फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ कंपनी सेक्रेटरी वर्क ऑफ द कंपनी यानी कि एक कंपनी सेक्रेटरी होती है उसके क्या क्या काम होते हैं ऑफ आइज़ यानी कि सिर्फ वॉच करने का काम ऑफ़ इयर्स यानी कि सुनने का काम ऑफ हैंड्स यानी कि सिर्फ प्रैक्टिकली किसी भी चीज को करना या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारे लोअर लेवल के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो काम है या फिर ऑल दिस तो फ्रेंड्स एक कंपनी सेक्रेटरी के ये सारे काम होते हैं उसको देखना होता है सुपरवाइज करना होता है वॉच करना होता है कैसा काम कैसे चल रहा है ऑफ uh, इयर्स का मतलब उसे सभी तरह की प्रॉब्लम सुननी होंगी अपने से लोअर की और साथ ही साथ जो उसके ऊपर होंगे लोग उनकी भी उसको सारी बातें सुननी होंगी और नेक्स्ट आता है ऑफ हैंड्स कि उसे कुछ ऐसा काम भी करना होगा जो कि वहाँ पर उसका आ, आ, उसकी कुछ इन्वॉल्वमेंट हो तो फ्रेंड्स पर जो अगर हम कंपनी सेक्रेटरी की बात करें तो ऑल दिस यहाँ पे करेक्ट है नेक्स्ट आता है विद स्पेशल परमिशन ऑफ रजिस्टर ऑफ कंपनीज कंपनीज फाइनेंशियल ईयर कैन बी एक्सटेंडेड एट मोस्ट यानी की कंपनी रजिस्ट्रार की विशेष अनुमति से कंपनी का वित्तीय वर्ष अधिक से अधिक कितना बढ़ाया जा सकता है तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे वित्तीय वर्ष की बात करें जो कि ट्वेल्व मंथ होता है तो अगर एक कंपनी चाहे तो वो उस फाइनेंशियल ईयर को बढ़ा सकती है लेकिन उसको टाइम पीरियड है ऑप्शनस है थर्टी मंथ अप टू फिफ्टी मंथ अप टू एटीन मंथ या फिर अप टू ट्वेंटी मंथ तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो इसके लिए टाइम पीरियड है वो है अप टू एटीन मंथ सिर्फ वो एट्टीन मंथ तक उसे इंक्रीज कर सकती है नेक्स्ट आता है इन विच सेक्शन ऑफ द इंडियन कंपनी फिफ्टी सिक्स कंपनीज डिफाइन यानी कि किस सेक्शन के अंदर कंपनीज को डिफाइन किया गया है सेक्शन थ्री सबसेक्शन वन फर्स्ट सेक्शन टू सबसेक्शन वन फर्स्ट एंड सेक्शन थ्री सबसेक्शन वन सेकेंड नन ऑफ दिस तो फ्रेंड्स कंपनी को डिफाइन किया गया है कंपनीज एक्ट के अंदर तो वो है सेक्शन थ्री सेक्शन वन फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आप कंपनी कैन चेंज इट्स नेम यानी कि एक कंपनी अपना नाम चेंज कर सकते हैं तो उसे क्या करना होगा बाय पासिंग स्पेशल ऑफर या रिजोल्यूशन यानी कि उसको एक विशेष प्रस्ताव पासित करना होगा या फिर बाय पासिंग सिंपल प्रपोजल यानी कि एक साधारण प्रस्ताव पास करना होगा या फिर बाय ऑप्टेनिंग द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि उसे सेंट्रल गवर्नमेंट की अनुमति लेनी होगी नेक्स्ट है बाई पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन एंड ऑपटेनिंग अप्रूवल ऑफ दी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि उसे एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा और साथ ही साथ उसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी परमिशन लेनी होगी तो फ्रेंड्स अगर कोई भी कंपनी अपना नाम चेंज करती है तो उसको सबसे पहले एक रेजोल्यूशन पास करना होता है जो कि स्पेशल रेजोल्यूशन होता है और साथ में उसे सेंट्रल गवर्नमेंट की भी परमिशन लेनी होती है तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टेचुचरी मीटिंग ऑफ द कंपनी कैन बी कॉल्ड यानी कि एक स्टैचुरी मीटिंग जो होती है वो कब होती है टाइम पीरियड क्या है वंस इन वन ईयर यानी कि साल में एक बार वंस इन अ कंपनीज लाइफ स्पेंड यानी कि पूरी लाइफ में एक बार वंस इन सिक्स मंथ्स यानी कि छः महीने में एक बार या फिर वंस इन थ्री मंथ्स यानी कि तीन महीने में एक बार तो फ्रेंड्स स्टेचुरी मीटिंग जो होती है उसका जो टाइम पीरियड है वो वंस इन थ्री सिक्स मंथ्स है यानी कि सिक्स मंथ्स में एक बार उसको होना जरूरी है नेक्स्ट है प्रीमियम इज़ डिटरमाइंड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स यानी कि जो प्रीमियम जो है वो हमारा अगर हम कोई भी शेयर इशू किया जाता है तो प्रीमियम किसकी परमिशन से इशू किया जाएगा बाय कंपनी लॉ बोर्ड यानी कि कंपनी लॉ बोर्ड के थ्रू बाय गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट के थ्रू बाय शुंग कंपनी या फिर बाय बोर्ड ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ एक्सचें एंड एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी कि सेबी तो फ्रेंड्स अगर कोई भी कंपनी अपने शेयर को प्रीमियम पे इशू करना चाहती है तो ये डिपेंड करता है ये डिसीजन होता है इशुंग कंपनी का तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है ये सिर्फ उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना प्रीमियम डिटरमाइन करे और उनको उस शेयर जो भी इशू कर रही है उसको प्रीमियम पे करे या ना करे नेक्स्ट है कंपनी में इशू शेयर यानी कि एक कंपनी अपने डिस्काउंट पर शेयर इशू करती है ऑन द एडवाइस ऑफ ऑडिटर ऑडिटर के एडवाइस पर इफ uh, कंपनी अगर कंपनी नई हो इफ न्यू क्लास कॉम्पोनेंट्स आर इशूड यानी कि जो नई कंपनी है वो इशू की गई हो नई कंपनी यानी नए वर्क के शेयर्स इशू किए जा रहे हों यानी कि या फिर एट द एंड ऑफ वन ईयर आफ्टर स्टार्टिंग द बिजनेस यानी कि जैसे बिजनेस स्टार्ट किया गया है उसके एक साल के बाद तो फ्रेंड्स ये कंपनी का रूल है कि अगर कोई भी कंपनी इस्टेब्लिश होती है तो उसको इस्टेब्लिशमेंट से एक साल के बाद ही वो अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं अगर वो उससे पहले करना चाहते हो तो उसे एट पार या प्रीमियम पे इशू करने होंगे तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है नेक्स्ट आते हैं जनरल असेंबली इज मेड बाय यानी कि जो साधारण सभा है वो किसके द्वारा बनाई जाती है बाय कंपनी ऑपरेटर कंपनी के संचालकों द्वारा बाय एडवेंचर होल्डर्स बाय कंपनी लॉ बोर्ड या फिर नाइदर ऑफ तो फ्रेंड जनरल असेंबली जो होती है वो कंपनी के संचालक यानी कि जो ऑपरेटर होते हैं उनके द्वारा बनवाई जाती है वह बुलाई जाती है तो ऑप्शन वन हमारा यहाँ पे करेक्ट है नेक्स्ट है डिस्काउंट ऑन ईशू ऑफ डिवेंचर सारे यानी कि अगर डिवेंचर डिस्काउंट पे इश्यू किए गए हैं तो ये किस तरह का है खर्चा इनकम एक्सपेंडिचर है ये हमारा कैपिटल लॉस है इशूइंग एक्सपेंसेस है या फिर कैपिटल एक्सपेंसेस है तो फ्रेंड्स डिवेंचर हमारे लिए कैपिटल का काम करते हैं और अगर इस पर हम डिस्काउंट देंगे तो ये हमारे लिए क्या होगा कैपिटल लॉस हो गए तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट है नेक्स्ट है आ कंपनी रजिस्टर्ड वैन इट यानि कि कंपनी रजिस्टर कंसिडर की जाती है जब वो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट रिसीव कर लेती है या फिर एम ओ ए और ए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को सबमिट कर देती है या फिर ऑप्टेना सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस यानी कि जो भी बिज़नेस के जो सर्टिफिकेट है कमेंसमेंट का वो ले लेती है या फिर रियली स्टार्ट देयर बिजनेस यानी कि वास्तव में अपने बिजनेस को स्टार्ट कर देती है तो फ्रेंड्स कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड uh, कंपनी तभी कहलाई जाती है जब वो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट ले लेती है तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा करेक्ट है नेक्स्ट है अ फंक्शन ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी यार यानी कि कंपनी सेक्रेटरी के क्या क्या फंक्शन होते हैं ऑफिस रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट रिलेटेड या फिर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड तो फ्रेंड्स अगर एक कोई कंपनी होती है तो उसके सचिव का यहाँ पर अगर हम उसके कार्य की बात करें तो उसके ऑफिस से रिलेटेड काम भी होते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड भी उसको देखना होता है जैसे कि अभी हमने ऊपर बात की थी कि उसको सभी तरह के काम देखने होंगे कि क्या हो रहा है क्या डिसीजन लेना है किस तरह का करना है आई से ईयर से एंड हैंड इन तीनों के बेसिस पर तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है नेक्स्ट एडवेंचर इज डिवेंचर इसका मतलब यहाँ पर यह है कि ऋण पत्र धारक होते हैं वो किस तरह के होते हैं कंपनी कैपिटल जो कंपनी के कैपिटल ओनर होते हैं वो या फिर कंपनी लेंडर या फिर पार्शियल ओनर ऑफ कॉरपोरेट डेटर्स तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम डिवेंचर होल्डर की बात करें तो डिवेंचर होल्डर कंपनी कंपनी लैंडर बोलेंगे क्योंकि फ्रेंड्स कंपनी लैंडर का मतलब यहाँ पर पत्र दाता से है इसको हम डिवेंचर होल्डर भी बोल सकते हैं कि एक डिवेंचर जो होते हैं वो कंपनी के अवेंचर लैंडर कहलाते हैं जो कि कंपनी को लोन दे रहे हैं नेक्स्ट है विच प्रिंसिपल वॉज प्रोपाउंडेड इन द डिसीजन गिविन इन द डिस्प्यूट ऑफ सेलोमन वर्सेस सेलोमन कंपनी लिमिटेड यानी कि सलोमन बनाम सलोमन कंपनी का जो विवाद हुआ था उसके अंदर किस तरह का आ, किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था को एग्जिस्टेंस का जॉइंट एक्सरसाइज का सेपरेट एग्जिस्टेंस का या फिर नन ऑफ दी अप तो फ्रेंड सलोमन बनाम सलोमन एंड कंपनी का एक विवादित केस हुआ था जिसके अंदर ये डिसीजन लिया गया था कि दोनों की यहाँ पे सेपरेट एग्जिस्टेंस है तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है नेक्स्ट है हाउ मैनी नोटिस इज रिक्वायर्ड टू कॉल एन एनुअल जनरल मीटिंग यानी कि एक वार्षिक साधारण सभा बुलाने के लिए कितने दिनों की सूचना आवश्यक है यानी आप कितने दिन पहले उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे चौदह सात तीस या फिर इक्कीस तो फ्रेंड्स अगर वार्षिक साधारण सभा बुलाई जाती है तो उसमें आपको इक्कीस दिन पहले लोगों को सूचना देनी होती है कि ये इस डेट को ये कंपनी की मीटिंग है और आप लोगों को वहाँ उसको अटेंड करना है नेक्स्ट है अनोदर नेम फॉर सेफ कैपिटल यानी कि सुरक्षित पूंजी का दूसरा नाम क्या है एक्यूमलेटेड कैपिटल जिसको हम संचित पूंजी कहते हैं ड्यू कैपिटल यानी कि जिसको हम अयाचित पूंजी कहते हैं पेड कैपिटल यानी कि दत्त पूंजी और रिक्वेस्टेड कैपिटल यानी जिसको हम बोलते हैं प्रार्थित पूंजी तो फ्रेंड्स जो हमारी सेफ कैपिटल होती है उसका दूसरा नाम होता है हमारा एक्यूमुलेटेड कैपिटल यानी कि संचित पूंजी जो कि हमने पहले से ही संचय करके यानी कि रिजर्व बना के उसका रख लिया है हमें फ्यूचर में कभी भी किसी तरह की प्रॉब्लम होगी तो हम वहाँ से उसको मीट आउट कर सकते हैं वहाँ से खर्चे कर सकते हैं अपने नेक्स्ट है परमिशन रिक्वायर्ड टू अ शेयर सर्टिफिकेट ऑफ अ कंपनी यानी कि एक कंपनी के अंश प्रमाण पत्र निर्गमन हेतु अनुमति आवश्यक है प्रपोजल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के प्रपोजल की जनरल असेंबली रेजोल्यूशन यानी कि जनरल असेंबली के रेजोल्यूशन की कंपनी लॉ बोर्ड की या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की तो फ्रेंड्स अगर किसी भी तरह का कोई भी शेयर सर्टिफिकेट इश्यू करना होता है तो उसमें जो परमिशन की जरूरत होती है वो है प्रपोजल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनकी परमिशन की यहाँ पे जरूरत होती है तो ऑप्शन uh, ए हमारा करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ डिवेंचर आर ट्रांसफर यानी कि जो ऋण पत्रों के निर्गमन पर जो हमें प्रीमियम मिला है वो कहाँ ट्रांसफर किया जाता है जनरल रिजर्व अकाउंट में कैपिटल रिजर्व अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या फिर नाइदर ऑफ द अबब में तो फ्रेंड जो भी ऋण पत्र इश्यू किए जाते हैं उसको बाद में उस ट्रांसफर कर दिया जाता है क्योंकि हमने अभी बात की थी कि ये सारे हमारे कैपिटल हैं कैपिटल ट्रांजेक्शन्स हैं तो ये हमारे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट है

सात साल है दस साल है और पंद्रह साल है तो फ्रेंड्स याद रखना आपको यहाँ पे मैक्सिमम टाइम बताना है तो फ्रेंड्स इसके लिए जो मैक्सिमम टाइम रखा गया है वो है टेन इयर्स ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है टेन इयर्स के बाद आपके वो रिडीम हो जाएंगे शेयर्स नेक्स्ट है द स्टेटस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी यानी कि कंपनी के संचालक की स्थिति क्या होती है लाइक एजेंट यानी एजेंट की तरह लाइक रिटायरी लाइक अ मैनेजिंग पार्टनर या फिर ऑल ऑफ दी अबव तो फ्रेंड्स जो कंपनी का संचालक होता है उसकी ये एजेंट भी हो सकता है रिटायर यानी प्रन्यासी भी हो सकता है मैनेजिंग पार्टनर भी हो सकता है तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है ऑल ऑफ दी अब नेक्स्ट है इन द केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी विच फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड एंड सब सबमिटेड टू द रजिस्टर यानी कि एक सार्वजनिक कंपनी के मामले में कौन सा पेपर तैयार करना है हम रजिस्टर के यहाँ प्रस्तुत करना आवश्यक है यानी कि ऐसा कौन सा सर्टिफिकेट है जो कि आपको तैयार करना और रजिस्ट्रार को सबमिट करना जरूरी होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन या फिर नाइदर ऑफ अबव तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपको जो डॉक्यूमेंट सार्वजनिक करना होगा तो वो है हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपको पहले उसे सार्वजनिक करना होगा और साथ ही साथ उसको रजिस्ट्रार ऑफिस में भी सबमिट करना होगा जिससे कि सभी लोगों को कंपनी की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में पता चल जाए कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव कितनी इसकी ऑथोराइज कैपिटल है क्या इसका विजन है इस्टेब्लिश होने का ये सारी चीज़ें पब्लिक को पता चल जाएँ नेक्स्ट है विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू यानी कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है हमारा मेंबर्स ऑफ डिवेंचर आर मेंबर्स ऑफ द कंपनी यानी कि डिवेंचर के जो मेंबर्स होते हैं वो कंपनी के मेंबर कहलाते हैं प्राइवेट कंपनी ऑल्सो इशू शेयर सर्टिफिकेट यानी कि प्राइवेट कंपनी इशू कर सकती है शेयर सर्टिफिकेट को डिवेंचर होल्डर लाइब्रेट लिमिटेड यानी कि डिवेंचर होल्डर की जो है वो लिमिटेड है या फिर डिटेल्स ऑफ ऑफ एलोकेशन नॉट कि जो एलोकेशन शेयर की जो एलोकेशन होल्डर्स है। तो right है, है होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है ये ऑप्शन करेक्ट है बाकी सारे ऑप्शन हमारे रॉन्ग है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्राइवेट कंपनी विद नेम डैश द वर्ड यानी कि प्राइवेट कंपनी जो है अपने नाम के साथ क्या यूज करती है शब्द लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड बोथ एंड बी या फिर नाइदर ऑफ द अब तो फ्रेंड्स एक प्राइवेट कंपनी जो होती है उसके उसको अपने नाम आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखना पड़ेगा जिससे कि वो इंडिकेट हो कि ये एक प्राइवेट कंपनी है तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट है नेक्स्ट है फॉर्मर पीरियड प्रोफेशनल सेक्रेटरीज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 1988 यानी कि जो पूर्वकालिक पेशेवर सचिव होता है उसको कंपनी संशोधन अधिनियम 1988 की कौन सी धारा में परिभाषित किया गया है सेक्शन टू सबसेक्शन वन सी सेक्शन टू सबसेक्शन थर्टी सेक्शन टू सबसेक्शन फोर्टी फाइव एंड सेक्शन टू सबसेक्शन फोर्टी फाइव ए तो फ्रेंड्स जो हमारे फॉर्मर पीरियड प्रोफेशनल सेक्रेटरी हैं उनको डिफाइन किया गया है सेक्शन टू सब सेक्शन फोर्टी ए में तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट है नेक्स्ट है अ कंपनी कैन अपॉइंट अ फॉर्मर पीरियड सेक्रेटरी हो यानी कि कंपनी पूर्वकालिक सचिव नियुक्त कर सकती है जो बी अ मेंबर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटरीज यानी कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट सेक्रेटरी का सदस्य हो ग्रेजुएट हो या फिर या फिर इंडियन सेक्रेटरी शुड नॉट बी मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट जो भारतीय सचिव होगा वो इसका मेंबर नहीं होना चाहिए इंस्टीट्यूट का या फिर बी मेंबर ऑफ आईसीडब्ल्यूए तो फ्रेंड्स अगर कोई भी कम फॉर्मर पीरियड सेक्रेटरी है वो अब कंपनी में तभी अपॉइंट होगा जब वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटरीज़ का मेंबर होगा तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है तो फ्रेंड्स आई होप आपको यहाँ आज का वीडियो पसंद आया होगा अगर किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगर आपको साउंड प्रॉब्लम हुई हो तो उसके लिए सॉरी uh, क्योंकि आज uh, मेरी तबीयत ठीक नहीं है मैंने कोशिश की है कि मैं आपके लिए ये वीडियो अपलोड कर दूँ जिससे कि आपकी प्रैक्टिस ना रोके तो अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आई एम रियली सॉरी और कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द ठीक होकर आपको वो पूरी तरह से मैं हंड्रेड परसेंट आपको अपनी वीडियोस प्रोवाइड कर पाऊँ अच्छे वे में तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ तब तक के लिए बाय बाय